Dear students, Standard 2, Subject Environmental Study. Last video में हमने क्या सीखा था बच्चों? Transport facility के बारे में सीखा था. Road transport, railways, waterways, airways, उसके बारे में सीखा था. आज हम सीखेंगे communication. Communication यानी कि संदेशा व्यवहार. हमें एक पर्सन को दूसरे पर्सन के मैसेज यानी भेजना होता है, तो हम वो किस तरह कर सकते हैं? देखो, कम्युनिकेशन मीन्स सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. वन पर्सन से दूसरे पर्सन को मैसेज भेजना, सेंडिंग यानी कि भेजना और रिसीविंग यानी कि मिलना, तो उसे क्या कहते हैं बच्चों? कम्युनिकेशन कहते हैं. COMMUNICATION कम्युनिकेशन. SENDING सेंडिंग यानी कि भेजना. RECEIVING रिसीविंग यानी कि मिलना. आगे देखते हैं. इन ओल्डन वेज पिजन्स वेर यूज्ड टू सेंड लेटर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. बच्चों, पहले के जमाने में लेटर्स एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर पहुंचाना होता है, तो वो किस तरह करते थे? पिजन यानी कि कबूतर के थ्रू वो लेटर एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर भेजते थे. ऑल्सो हॉर्स राइडर्स वेर यूज टू सेंड मैसेजेस टू फार वेज प्लेस. अगर फार वेज यानी कि बहुत दूर के प्लेस पे मैसेज को पहुंचाना होता था, तो वो किस तरह पहुंचाते थे? हॉर्स राइडर से पहुंचाते थे. पीपल ऑल्सो यूज स्मोक सिग्नल्स ड्रम्स एंड फ्लैश लाइट. और पीपल है वो और किसका यूज करते थे? स्मोक सिग्नल यानी कि वो धुआं जलाते थे, तब भी पता चल जाता था कि कोई मैसेज है. ड्रम्स यानी कि वो ड्रम्स बजा के भी एक्सप्रेस करते थे. और फ्लैश लाइट्स भी करके पीपल इन सब का भी यूज करते थे मैसेज को पहुंचाने के लिए. मैसेजेस कैन ऑल्सो बी कन्वे थ्रू गेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशंस, मूवमेंट ऑफ अवर हैंड्स एंड फिंगर्स और थ्रू स्पीच. बच्चों, हम हमारा मैसेज पहुंचाना हो तो हम उसे कन्वे यानी कि किस तरह एक्सप्रेस करते हैं? देखो, थ्रू गेस्चर हमें हमारे हाव भाव से करते हैं. फेशियल एक्सप्रेशन यानी कि हमारे फेस के रीड करके, मूवमेंट ऑफ अवर हैंड्स एंड फिंगर्स हमारे हैंड्स और फिंगर्स के मूवमेंट के हिसाब से, और थ्रू अ स्पीच और हम भाषण या संदेशा देकर. इस तरह से हम अपना जो मैसेज है वो कन्वे यानी कि दूसरे को बता सकते हैं. देखो, यहाँ पे आपको सिंबल भी दिया है कि थंब डाउन और थंब अप. इस तरह डिफरेंट डिफरेंट हम मूवमेंट यूज करके अपना मैसेज है वो बता सकते हैं. कम्युनिकेशन इज इम्पॉर्टेंट टू एक्सप्रेस अवर थॉट्स एंड फीलिंग्स. थॉट्स यानी कि हमारे विचार और फीलिंग्स, हमारी भावनाएं एक्सप्रेस करने के लिए कम्युनिकेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. द वेरियस मेथड्स बाय विच वी कम्युनिकेट विथ डिफरेंट पीपल आर कॉल्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. हम कम्युनिकेशन करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड यूज करते हैं डिफरेंट पीपल को पहुंचाने के लिए, तो उसे कहते हैं मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. देखो, नीचे आपको बताया है वन टू वन कम्युनिकेशन. उसमें क्या होता है? वन सेंडर होता है और वन रिसीवर होता है. देखते हैं, टेलीफोन्स, मोबाइल्स, लेटर्स, टेलीग्राम्स एंड कंप्यूटर्स आर मीन्स ऑफ वन टू वन कम्युनिकेशन. ये सारे टेलीफोन मोबाइल है वो सारे वन टू वन कम्युनिकेशन के यूज होते हैं. इट मीन्स देयर इज वन सेंडर एंड वन रिसीवर यानी कि वन पर्सन भेजता है और वन रिसीवर एक ही रिसीवर होता है. द पोस्ट ऑफिस सेंड्स एंड रिसीव्स लेटर, पार्सल एंड कुरियर फॉर अस. पोस्ट ऑफिस है वो हमारे लिए लेटर्स को भेजते हैं और रिसीव यानी कि रिसीव भी करते हैं. अ पोस्टमैन ब्रिंग्स दिस लेटर्स एंड पार्सल्स टू अवर होम. पोस्टमैन है वो हमारे लेटर या पार्सल वगैरह हमें घर पे भी दे जाते हैं. आगे देखते हैं. देखो, यहाँ पे आपको पीछे एक पिक्चर दिया है, वो पोस्टमैन वो घर पे हमें लेटर्स देते हैं. नावडेज वेरी
few people communicate through letters as they are very slow and take days to reach. बच्चों nowadays यानी कि अभी very few people यानी कि ऐसे बहुत कम लोग हैं जो communicate करने के लिए letters का use करते हैं, क्योंकि letters है वो बहुत ही slow फैसिलिटी है और उसमें बहुत सारे दिन भी लग जाते हैं, हमारे पास लेटर पहुंचने में बहुत सारे दिन भी लग जाते हैं, इसलिए इस फैसिलिटी को बहुत कम लोग यूज करते हैं. मोबाइल फोन अलाउज अस टू टॉक विद पीपल एंड टू सेंड एंड रिसीव मैसेजेस. बच्चों मोबाइल फोन हमें टॉक यानी कि एक दूसरे से बातचीत करने में भी हेल्प करते हैं, और हमें मैसेज भेजना हो तो भी हम भेज सकते हैं. रिसीव यानी कि हम मैसेज को रिसीव भी कर सकते हैं. अ टेलीफोन इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ड्यूरिंग इमरजेंसीज. बच्चों कभी भी इमरजेंसी वगैरह हो तो उसमें से कौन सी कम्युनिकेट फैसिलिटी हमें यूज होती है? टेलीफोन. टेलीफोन वो बहुत ही फास्टेस्ट है, वो बहुत ही कम्युनिकेशन के लिए हमें बहुत यूजफुल है. इमरजेंसी में हमें कोई फास्ट काम हो तो वो सबसे जल्दी यूजफुल होता है. कंप्यूटर्स टू कैन सेंड एंड रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड थ्रू इंटरनेट कनेक्शन. बच्चों कंप्यूटर्स भी हमें मैसेज को सेंड करने में और रिसीव करने में बहुत हेल्पफुल होता है. वर्ल्ड में कहीं भी कोई भी हो डिफरेंट पार्ट्स यानी कि, तो उसमें हमें इंटरनेट कनेक्शन यानी कि इंटरनेट फैसिलिटी हो तो हम कंप्यूटर की हेल्प से भी मैसेज को भेज सकते हैं और रिसीव यानी कि हमें कोई भी मैसेज मिल भी सकता है. ये फैसिलिटी पूरे वर्ल्ड में हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं. पूरे वर्ल्ड में कहीं पे जो भी पीपल हो डिफरेंट डिफरेंट पीपल उससे हम मैसेज भेज सकते हैं और मिल भी सकते हैं हमें मैसेज. वी कैन सेंड ईमेल्स और चैट यूजिंग द इंटरनेट. हम ईमेल्स और चैट की मदद से मैसेज भेज सकते हैं इंटरनेट की हेल्प से. देखो बच्चों हमें यहाँ पे एक थिंक अलाउट दिया है. विच मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन डू यू यूज द मोस्ट. बच्चों हमने जो कम्युनिकेशन सीखा उनमें से आप कौन से कम्युनिकेशन का यूज करते हैं बहुत ज्यादा, वो आपको सोचना है. बच्चों उसके नीचे हमें एक फैक्ट फाइल दी है, उसमें क्या लिखा है? टेलीफोन वॉज इन्वेंटेड बाय अ साइंटिस्ट नेम्ड ग्रेहम बेल. यानी कि बच्चों टेलीफोन आप जो यूज करते हैं वो किसने बनाया है? बच्चों ग्रेहम बेल. वो साइंटिस्ट का नेम क्या है? ग्रेहम बेल. चलो आगे देखते हैं. मास कम्युनिकेशन. बच्चों आगे हमने कौन सा कम्युनिकेशन सीखा था? वन टू वन कम्युनिकेशन. उसमें क्या होता है? वन सेंडर एंड वन रिसीवर, तो उसे कहते हैं वन टू वन कम्युनिकेशन. लेकिन मास कम्युनिकेशन में क्या होता है? वन सेंडर लेकिन रिसीवर बहुत ज्यादा होते हैं. चलो आगे देखते हैं. न्यूज़पेपर, टेलीविजन, बुक्स एंड रेडियोज आर मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन. मास कम्युनिकेशन में क्या क्या आता है बच्चों? न्यूज़पेपर, टेलीविजन, बुक्स, रेडियो, ये सारे मास कम्युनिकेशन है. इन मास कम्युनिकेशन देयर इज वन सेंडर एंड लार्ज नंबर ऑफ रिसीवर्स विथ whom we communicate. देखो बच्चों मैंने आगे बताया आपको कि इसमें वन सेंडर होता है लेकिन लार्ज नंबर ऑफ रिसीवर्स यानी कि रिसीवर्स बहुत ज्यादा होते हैं, जिससे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं. थस इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम. उसकी वजह से हमारा बहुत ज्यादा टाइम सेव होता है. रेडियो एंड टेलीविजन आर द मोस्ट पॉपुलर मीन ऑफ मास कम्युनिकेशन. रेडियो एंड टेलीविजन वो है बच्चों, वो बहुत ही पॉपुलर मास कम्युनिकेशन का है. बच्चों आप सबको भी, आप सबने टेलीविजन तो देखा ही होगा, उसमें एक सेंडर होता है और बहुत ज्यादा रिसीवर यानी कि हम बहुत सारे लोग एक साथ टेलीविजन पे देख सकते हैं. दे प्रोवाइड अस लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन. वो हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं बच्चों. न्यूज़पेपर्स आर द चीपेस्ट मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन. चीपेस्ट यानी कि
बहुत ही सस्ता, न्यूज़पेपर बहुत सस्ता मिलता है, वो आप सबको भी पता है। तो वो एक चीपेस्ट मास कम्युनिकेशन है, जिसके उसमें से भी हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होती है। दे टेल अस अबाउट द इम्पॉर्टेंट डे टू डे इवेंट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, यानी कि पूरे वर्ल्ड में जो भी इवेंट होती है वो हम न्यूज़पेपर के थ्रू जान सकते हैं बच्चों। तो बच्चों लेसन 6 ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में हमने डिफरेंट डिफरेंट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के बारे में सीखा, रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज, एयरवेज, वो सब ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के बारे में सीखा। और कम्युनिकेशन यानी कि हम मैसेज एक पर्सन से दूसरे पर्सन किस तरह भेजते हैं वो हमने सीखा। उसमें थे 1-to-1 कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन। तो हमने लेसन 6 सीखा, अब हम इसके इम्पोर्टेंट वर्ड्स लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स इस तरह आप सबको आपकी नोटबुक में हेडिंग लगाना है लेसन नंबर 6 ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। चलो फर्स्ट स्पेलिंग हमने कौन सा टिक किया था बच्चों, डिस्टेंस। हम डिस्टेंस का स्पेलिंग लिखते हैं DISTANCE, डिस्टेंस। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा स्पेलिंग था बच्चों, इन्वेंशन, INVENTION, इन्वेंशन। बच्चों इसी तरह आप सबको भी टेक्स्ट बुक में स्पेलिंग देखते जाना है और अपनी नोटबुक में लिखते जाना है। उसके बाद का स्पेलिंग है बुलॉक कट, BULLOCK, बुलॉक, CART, कट, बुलॉक कट। नेक्स्ट है ट्रैक्टर, TRACTORS, ट्रैक्टर्स। उसके बाद है ट्रांसपोर्ट, TRANSPORT, ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन, COMMUNICATION, कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है सेंडिंग, SENDING, सेंडिंग। नेक्स्ट है रिसीविंग, RECEIVING, रिसीविंग। और लास्ट स्पेलिंग है चीपेस्ट, CHEAPEST, चीपेस्ट। तो बच्चों इसी तरह आप सबको भी आपकी नोटबुक में ये सारे स्पेलिंग लिखने हैं और अच्छी तरह से लर्न भी करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लेसन नंबर 6 की एक्सरसाइज लिखेंगे।